नमस्कार किसान भाई और राम राम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग हड़म्बा मशीन है तो इसमें चने निकालेंगे, जो देसी चने होते हैं, छोटे वाले चने, जो बारीक चनी चन्नी बोलते हैं, इंदौरी चन्नी वगैरह जो भी बोलते हैं आपके इधर, तो वो चन्नी निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी पूरी सेटिंग गेहूँ की थी, देख सकते हैं आप, गेहूँ का चालना वगैरह लगा, इसमें भूसा भी गिरा हुआ, पूरी सेटिंग गेहूँ की बनी थी, ये चालने में गेहूँ भी पड़े हुए देख सकते हैं आप। तो अभी इसमें हम चने निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, जो ऊपर की दो जालियाँ रहती है गेहूं की, एक इसके ये वाली पत्ती के ऊपर रहती है और एक ये वाली पत्ती के ऊपर, ये दोनों जालियाँ निकाल दी हमने। और अभी हम एक जाली डालेंगे, सिर्फ एक जाली, ये जो है बड़े हॉल वाली, जिसमें चना निकल जाए। देखिए ये जो सादे चने का छानना है, इसमें चना निकल जाए, ये वाला जाली डालेंगे, एक ही डालेंगे और वो ऊपर की साइड डालेंगे, ये जो यहाँ पे है यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद ये जो छानना है इसको भी खोल लिया हमने। देखिए इसकी जो मैं वो दिखा देता हूँ, ये जो है ये गेहूं का चालना था, इसको भी निकाल के अपने जो सादे चने का डालेंगे, डालर का नहीं डालेंगे, सादे चने का डालेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, ये पहले ये जाली डाल लेते, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है अपन ने जाली फिट कर ली ऊपर, इसको बोल्ट से कस देंगे, नट बोल्ट से, ताकि फिक्स हो जाए, ये हिले नहीं। देख सकते आप इसकी फिटिंग पूरी बैठ गई है यहाँ पर, नीचे में कुछ भी नहीं लगाएंगे और ऊपर आप जाली चेंज करेंगे। उसके बाद जो जो सेटिंग है, जब चलेगी मशीन वो भी बताऊंगा मैं। अभी ये ऊपर का जालना भी चेंज करते हैं अपन, उसके बाद दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की जाली भी बदल दी है और चालू भी हो गई मशीन। देख सकते हैं माल इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ पे तो अभी हमने, मैं दिखा देता हूँ बेल्ट की सेटिंग वगैरह। हमने बेल्ट का भी कुछ भी नहीं बदला है, ये ना तो ऊपर वाला बदला है, ना ही चालने की स्पीड को कुछ किया है, ना ही धर्म वाले बेल्ट को बदला है। देख सकते हैं किसी भी कोई भी सेटिंग की बदलाव नहीं किया हमने और उसी में अच्छा माल भी निकल रहा है। देख सकते हैं देसी चने हैं, थोड़ा सा माल भी गीला दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बिल्कुल ऐसे हरे चने भी है इसमें, तो इसका भूसा वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं कैसे निकल रहा है। देखिए दोस्तों, भूसा वगैरह भी एकदम बारीक है, ये देख सकते हैं, जैसे जानवर खा लेंगे आराम से। ये देखिए अभी हमने इसकी सेटिंग की चेंज की है, क्योंकि इसमें सूखे चने आ रहे थे तो वो फूट रहे थे, तो मैं आपको इसकी सेटिंग चेंज कर रही, जो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो इस साइड बेल्ट थे, तो हमने उनको इस साइड कर दिया है, ट्रैक्टर के हाई आरपीएम और मशीन के लो आरपीएम। देखिए उसके बाद हमने पीछे ड्रम का भी चेंज किया है, ट्रैक्टर के हाई आरपीएम, मशीन के सीधे लो आरपीएम। तो देखिए चने जो है फूटना बंद हो गए हैं, चने फूट नहीं रहे, तो यही सेटिंग है। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा सूखे चने हैं, तो मशीन के लो आरपीएम रखिए और ट्रैक्टर के हाई आरपीएम रखिए, ताकि ट्रैक्टर दबे नहीं और मशीन जो है चलती रहे, चने भी ना फोड़े। तो बस यही जानकारी थी।